जो मास्क नहीं पहनते उन पे फाइन मारने का काम करती हूँ। ये घटना बांदू स्टेशन के यहाँ पर हुई। तुम लोग को मास्क का 200 रुपए देगा। पब्लिक के पास भीख मांग मांग के खाया, जब कोई नहीं आया। बुलाओ, किसको बुला रहा? बुलाओ, इधर ही खड़ा रह। तुला वाटला माझ्या पाशी लायसन आहे, मास्क तो 200 रुपये देऊ तर तू लोकांवर भाईगिरी करणार? से वो लेडीज आ रही थी, वो विदाउट मास्क थी और अपना जो एरिया था वो पब्लिक प्लेस खूब थी और स्टेशन पर था, तो उसने मास्क नहीं पहना था। तो हम लोग उसको बोल रहे थे कि आप मास्क पहनो, क्यों ऐसे घूम रहे हो, आपको फाइन भरना पड़ेगा ऐसा वगैरह। तो वो बोले नहीं, हम लोग ऐसा नहीं सुनते और गाली गलौज करने लगी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि वैल्यू रखी नहीं रही थी। वो पुलिस वाले तक को भी गाली गलौज करने लगी और मार जोड़ करने लगी, फिर वहाँ से और भी पब्लिक को लेकर आके मारामारी करने लगी। फिर उसने माथे में वो पत्थर मार दिया उसने, फिर पुलिस वाले लोग ने उसको लेकर गए पुलिस चौकी में और कार्रवाई सब चल रही है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग सपोर्ट करें इस चीज़ को, इसके लिए ये सारी चीज़ें की जाए तो सही है, ये हमारे लिए भी और पूरे पब्लिक के लिए अच्छा है। पूरी पब्लिक सर ऐसे ही देख रही थी, और पुलिस वाले तक को लेडीज़ गाली गलौज कर रही थी, मार रही थी, बट वो पुलिस वाले भी बड़ी वैन बुलाया तब जाके उनको खींच के लेके गए उन लोग। किशोर पांडुंगलाड, मी आज जवळजवळ इथे काम करतोय क्लीनअपमध्ये मार्शल म्हणून। आम्ही जनतेच्या हितासाठी चांगल्यात चांगले जास्त जेवढं कार्य होईल तेवढं करण्याचा प्रयत्न करत असतो, परंतु जनतेकडून आम्हाला पाहिजे असं परिसंवाद मिळत नाही। जनतेकडून काही काही गोष्टी आमच्या विरोधी घडत आहेत। आजच्या संदर्भात आम्ही त्यांना सांगण्यास गेलो असता की बाबा मास्क लावा, तुम्ही मास्क लावल्याने चांगलं असतं आहे, आपल्या सुरक्षितेसाठी चांगलं आहे, परंतु त्यांचा ते गांभीर्याने लक्ष घेत नाही। ते उडवउडीची उत्तरं करून उलट असे समजतील की मुद्दा म्हणून टिंगल करणार किंवा काही करणार, आणि उद्धटवाने आमच्याकडे काही गोष्टी हे केल्या जाणार।